हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल छाया क्रिएशंस में। आज इस वीडियो में मैंने टिन नेल आर्ट डिज़ाइंस किए हैं, ट्राई कलर नेल आर्ट डिज़ाइन, सेम हमारे तिरंगे की तरह। आप इसे इस इंडिपेंडेंस डे या आने वाले रिपब्लिक डे पर ज़रूर ट्राई करें। इनमें से आपको जो भी सबसे अच्छा लगे उसे ट्राई कर सकते हैं। ये हमारी पहली नेल आर्ट डिज़ाइन है जिसमें हमने सिंपल वाइट बेस लिया है और तीनों कलर लेके निडल की हेल्प से उस पर इस तरीके से कर्व बना दिए हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये है हमारा दूसरा नेल आर्ट डिज़ाइन जिसमें मैंने बेस में ट्रांसपेरेंट कलर की नेल पेंट का यूज़ किया है ताकि उसमें थोड़ी शाइन लाने के लिए। उसके बाद मैंने सबसे पहले ग्रीन कलर से दो लाइनें क्रिएट की हैं। ग्रीन कलर के बाद वाइट कलर से मैं फिर से दो लाइनें क्रिएट कर रही हूँ, बट जो मैंने ग्रीन कलर से लाइंस क्रिएट की हैं वो थोड़ी सी छोटी हैं। उनके साइड में मैंने थोड़ा गैप छोड़ा है, पूरे नेल को कवर नहीं किया है, बट वाइट नेल पेंट से मैंने जो लाइंस बनाई हैं उन्हें मैंने पूरे नेल्स को कवर किया है। उसके बाद मैंने सैफ्रॉन कलर से फिर से वही सेम दो लाइंस क्रिएट कर रही हूँ और इन दो लाइंस को भी मैं ग्रीन नेल पेंट की तरह साइड से थोड़ा सा खाली छोड़ दूंगी स्पेस, पूरा कवर नहीं करूंगी वाइट की तरह। उसके बाद मेरे पास जो ये बिंदी मैंने आपको दिखाई है, मैंने इन बिंदियों का यूज़ किया है ग्रीन, और मैंने इसमें रेड कलर की बिंदी यूज़ की है, सैफ्रन कलर की एक्चुअली नहीं थी। आप इसमें कोई स्टोन या कोई भी किसी भी तरह की बिंदी यूज़ कर सकते हैं जैसे आपके पास हो। अब हम पहुँच गए हैं हमारे तीसरे नेल आर्ट डिज़ाइन पर। इसमें भी मैंने सबसे पहले ट्रांसपेरेंट से बेस कोट किया है, उसके बाद मैंने वाइट कलर की नेल पेंट से, जैसे हम फ्रेंच टिप क्रिएट करते हैं अपने नेल्स पे, वैसे ही मैंने थोड़ा ब्रॉड फ्रेंच टिप क्रिएट की है उसे अच्छे से शेप देते हुए। उसके बाद मैंने टूथपिक की हेल्प से इस पे हर्ट बनाने के लिए, ताकि हर्ट मिडल में आए, पहले बीच में दो डॉट लगा ली हैं। आप भी इस तरीके से ट्राई करें ताकि हर्ट की शेप अच्छे से बन जाए। उसके बाद मैं इसे हर्ट की शेप बना रही हूँ और इस तरीके से बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे पूरी फिनिशिंग देने के लिए ये मैंने इतने धीरे बनाया है। और ये हर्ट कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने फिर से सैफ्रन कलर की नेल पेंट ली है और हर्ट का एक साइड का, मतलब हाफ से थोड़ा कम हिस्सा आप कह सकते हैं, वो मैंने सैफ्रॉन कलर की नेल पेंट से फिल किया है और हर्ट के दूसरे साइड का हिस्सा सेम वैसे ही मैंने ग्रीन कलर की नेल पेंट से फिल किया है। हर्ट के बीच का हिस्सा मैंने खाली छोड़ा है और ये डिज़ाइन हमारा बन के तैयार है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ नेल आर्ट डिज़ाइन पर, जिसमें मैंने सबसे पहले ग्रीन कलर की नेल पेंट से डॉट लगाए थे और फिर उसके बाद निडल से उसे क्रॉस कर दिया था। आप देख पाएंगे अभी जैसे मैं वाइट कलर की नेल पेंट से कर रही हूँ सेम वैसे ही ग्रीन कलर की नेल पेंट से किया है, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे वो ग्रीन कलर का डिज़ाइन बना है। इसके बाद मैंने सैफ्रॉन कलर की नेल पेंट ली है, उससे भी सेम ऐसे ही डॉटिको टूल की हेल्प से मैंने एक्चुअली डॉट डॉट लगाए हैं और निडल की हेल्प से उसे क्रॉस कर दिया है। अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप कोई भी मैथ स्टिक या कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी फिफ्थ नेल आर्ट पे, जिसके लिए मैंने बेस में वाइट कलर की नेल पेंट का यूज़ किया है, डबल कोट किया है मैंने। मैं मोस्टली अपनी हर नेल आर्ट में डबल कोट करती हूँ, उसके लिए जो हमारी नेल आर्ट है वो और ज़्यादा सुंदर लगती है, आई कैची होती है और उभर के आती है इसलिए। तो आप लोग भी ट्राई करें, जब भी कोई नेल आर्ट करें तो उसके लिए हमेशा डबल कोट करें। कई बार ऐसा होता है कि मेरी वीडियो में मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं आपको भी बता रही हूँ डबल कोट करती हूँ मैं हमेशा, आप भी ज़रूर करें। उसके बाद मैंने फ्रेंच टिप्स वी की शेप में बनाते हुए एक साइड सैफ्रॉन कलर से फ्रेंच टिप का आधा हिस्सा कवर किया है और दूसरी साइड मैंने ग्रीन कलर से कवर की है,
और ये नेल आर्ट बन के रेडी है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट नेल आर्ट पे ही, जो कि है सिक्स्थ नेल आर्ट डिज़ाइन। इसके लिए मैंने बेस में ही सैफ्रोन कलर का यूज़ किया है और आप देख रहे हैं कि मैंने डबल कोट किया है सैफ्रोन कलर की नेल आर्ट से भी। उसके बाद मैं वाइट कलर की नेल पेंट का यूज़ करते हुए इस तरीके से थोड़ा अप एंड डाउन डिज़ाइन बना रही हूँ। इसका भी डबल कोट करने के बाद मैंने ग्रीन कलर लिया है और उससे भी अप एंड डाउन ऐसे ही डिज़ाइन बनाया है, उसे भी मैंने डबल कोट कर दिया है। ये डिज़ाइन हमारा बनके तैयार है। बहुत सिंपल और बहुत सुंदर डिज़ाइन था, आप ज़रूर ट्राई करें। अब हमारा नेक्स्ट नेल आर्ट डिज़ाइन है सेवन्थ नेल आर्ट डिज़ाइन। इसके लिए एक साइड मैंने सैफ्रोन कलर से, मतलब मैं आप कह सकते हैं कि नेल के जैसे थ्री पार्टीशन करके, फर्स्ट पार्टीशन मैंने सैफ्रोन कलर से फिल किया है, सेकंड पार्टीशन खाली है अभी, और जो थर्ड पार्टीशन है उसमें मैं ग्रीन कलर से नेल पेंट फिल कर रही हूँ। जो खाली पार्टीशन था मिडल वाला, उसमें मैं वाइट कलर की नेल पेंट का यूज़ करते हुए टूथपिक से इंडिया लिखूँगी। आप देख रहे हैं आपको बहुत छोटा छोटा लिखना है क्योंकि नेल्स छोटे होते हैं, ताकि इंडिया पूरा आ पाए। मेरी नेल आर्ट में भी बल्कि ए आ गया था, बट इतना अच्छे से नहीं आ पाया था जितने बाकी के चार अल्फ़ाबेट आ गए थे। बट कम से कम ये था कि हाँ, अच्छे से समझ आ जा रहा था कि हाँ इंडिया लिखा हुआ है। फाइनली ये नेल आर्ट हमारी बन के रेडी है। अब हमारी नेक्स्ट नेल आर्ट पर आ जाते हैं, जो कि है हम एट नेल आर्ट डिज़ाइन। इसके लिए मैंने बेस कोट लगाया था पहले नीचे, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं थी बट मैंने इसमें लगा लिया था क्योंकि इसमें हमारा नेल्स पूरे कवर होने वाला है। इसमें मैंने बीच में, सबसे पहले नाखून के बीच में वाइट कलर से एक पार्टीशन, यानी वन थर्ड हिस्सा नेल का फिल किया है। उसके बाद दूसरी साइड से मैं फिल कर रही हूँ सैफ्रोन कलर की नेल पेंट, और जो हमारी फर्स्ट वाली साइड बची है उसमें मैं इस तरीके से ग्रीन कलर की नेल पेंट से फिल कर दूंगी। ये मैंने प्रॉपर फ्लैग की तरह ये डिज़ाइन बनाया है। इसमें बीच में अशोक चक्र भी मैं बना रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं डार्क ब्लू कलर से। और ये इसके बाद इसको और ज़्यादा थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैंने जो है एक शिमरी या वो चमकी वाली जो नेल पेंट आती है ना, वो यूज़ की है मैंने इसमें, और उससे मैंने इसकी बाउंड्री बना दी है जिससे और ज़्यादा उभर के आएगा डिज़ाइन। देखते ही देखते हमारा ये नेल आर्ट डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है, आप इसके फाइनल लुक देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नाइन्थ नेल आर्ट डिज़ाइन पे, जिसमें मैंने स्पॉन्ज का यूज़ किया है, और इस पे मैंने सबसे पहले सैफ्रोन कलर, उसके बाद वाइट कलर, और उसके बाद ग्रीन कलर, ये तीनों कलर अपने स्पॉन्ज पे लगा लिए हैं, बट उसे और ज़्यादा डार्क करने के लिए, ताकि मेरे नेल पे अच्छे से कलर आ जाए नेल पेंट का, मैंने वो तीनों कलर डबल लगाए हैं। उसके बाद मैं अपने नेल पे इस तरीके से स्पंज की हेल्प से इस नेल पेंट को अच्छे से लगा लूँगी पूरे नेल्स को कवर करते हुए। इसके बाद मैंने उसे और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि मेरे नेल्स पे इतना ज़्यादा डार्क नहीं आ रहा था, तो स्पंज से मैं मोस्टली दो बार तो यूज़ करती ही हूँ कोई भी नेल आर्ट डिज़ाइन करने में, और दो बार यूज़ करने के बाद ये इस तरीके से प्रॉपर एकदम फिलिंग हो गई है, अब बहुत सुंदर लग रहा है डिज़ाइन। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे टेंथ नेल आर्ट डिज़ाइन पे, जिसमें मैंने शुरू में आपने देखा है बेस में मैंने ट्रांसपेरेंट नेल पेंट यूज़ की है। उसके बाद सैफ्रोन कलर से मैंने एक अल्फ़ाबेट बनाया है जो कि है आई आई। उसके बाद वाइट कलर की नेल पेंट से मैंने हार्ट क्रिएट किया है और उसे प्रॉपर फिल कर दिया है। नीचे जो स्पेस बचा है नेल पे, उस पर मैंने ग्रीन कलर की नेल पेंट से
एक वर्ड लिख रही हूँ जो कि है इंडिया। आई मैंने जो है कैपिटल रखा है, बाकी लेटर स्मॉल रखे हैं। आप सारे लेटर भी बड़े रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और इस तरीके से इंडिया पूरा आ गया है मेरे नेल पे। उसके बाद मैंने इस डिज़ाइन को भी थोड़ा हाईलाइट करने के लिए साइड से वो सेम नेल पेंट यूज़ की है जो मैंने से पहले वाले एक नीला डिज़ाइन में यूज़ की थी इसी वीडियो में। और उसी तरीके से मैंने इसको चारों तरफ से एक बाउंड्री या बॉर्डर की तरह कवर कर दिया है, एक लाइन सी बना के नेल के शेप में प्रॉपर। और ये डिज़ाइन भी बन के रेडी है। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।